एक दफा का जिक्र है, हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और यहीं पर उनका एक असिस्टेंट भी बैठा होता है। ये लोग अपनी क्लास को पौधों या प्लांट्स में होने वाली तब्दीली के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सब स्टूडेंट्स बोर्ड की तस्वीरें ले रहे होते हैं ताकि वो अपने नोट्स को बाद में रिवाइज भी कर सके। लेकिन यहीं पर बैठी हुई एक लड़की लियो लेक्चर की तस्वीरें लेने की बजाय उस असिस्टेंट की तस्वीरें लेने लगती है, क्योंकि ये लड़की लियो उस असिस्टेंट को पसंद किया करती है। लड़की अभी अभी इसी यूनिवर्सिटी में आई होती है तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस असिस्टेंट के सामने ये कन्फेस कर सके कि मैं आपको पसंद करती हूँ। इसी दौरान लियो की एक दोस्त अपना मोबाइल उसको दिखाती है जिसमें एक स्टूडेंट की बुरी तरीके से मौत हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत से प्लांट्स पौधे उसके जिस्म के अंदर हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका होता है। जबकि दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो उस मरे हुए स्टूडेंट्स की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। जबकि यहाँ जैसे ही क्लास खत्म होती है तो लियो उस असिस्टेंट के पास जाती है, उसे एक प्लांट गिफ्ट देती है और बिल आखिर डरते हुए कह ही देती है कि मुझे आप पसंद है। लेकिन असिस्टेंट उसे इनकार कर देता है, वो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लियो मायूस होकर बाहर आ जाती है और अपनी दोस्त से बातें करते हुए कहती है कि मुझे आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, वो होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला। उसकी दोस्त उसे संभालती है, कहती है थोड़ा सा हौसला करो, और वो वहाँ पर लगे हुए एक गाने पर बहुत एंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश हो सके। जबकि खिड़की पे खड़ा हुआ वो असिस्टेंट जिसका नाम जेंग है, वो इन दोनों को डांस करता हुआ देख रहा था और मन ही मन में बहुत मुस्कुराने लगता है। इसकी कुछ ही देर बाद जब लियो की दोस्त अपने कमरे में जाती है, वो अपने चेहरे को शीशे के अंदर से देखने लगती है, क्योंकि इसके चेहरे पर एक पिंपल निकल रहा था। लेकिन ये नॉर्मल पिंपल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से कोई प्लांट ग्रो हो रहा हो, कोई पौधा निकल रहा हो। वो परेशानी के आलम में फौरन से अपने चेहरे को मेकअप से कवर करने लगती है। जबकि दूसरी तरफ अब हम प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट जेंग को देखते हैं जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। प्रोफेसर यहाँ पर उसको कुछ पीने के लिए देता है, जैसे ही असिस्टेंट जेंग उसको पीता है तो वो फौरन से बेहोश हो जाता है। इसी दौरान प्रोफेसर एक मॉडर्न गमला सामने रखता है जिसमें एक प्लांट लगा होता है जिसकी रूट्स काफी ग्लो कर रही होती है, चमक रही होती है, और उसके अंदर से निकाला गया एक खास लिक्विड वो एक टीके में भरकर उस असिस्टेंट के हाथ में लगा देता है। ये प्रोफेसर यहाँ पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें वो ये देखना चाहता है कि क्या प्लांट असिस्टेंट की बॉडी के अंदर ग्रो कर सकेगा, इसलिए इसने ये लिक्विड उसके अंदर इंजेक्ट किया होता है, डाला होता है। लेकिन जब कंप्यूटर पे रिजल्ट आता है कि मैचिंग डिग्री 0% है, यानी बिल्कुल भी मैच नहीं कर सका उसकी बॉडी उस लिक्विड से, तो वो मायूस हो जाता है और प्रोफेसर उस प्लांट को अपने असिस्टेंट जेंग को छोड़कर वहाँ से फौरन गायब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो अपनी दोस्त को उसके कमरे से बुला रही होती है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आती। वो बार बार पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से इनकार कर देती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो लियो भी उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और एक पिक्चर की ड्रॉइंग बनाने लगती है। ये बनने वाली पिक्चर उसी असिस्टेंट जेंग की होती है क्योंकि उसका घर बिल्कुल इसके घर के सामने होता है, वो इसी को देखकर कैनवस पर उसकी तस्वीर बना रही होती है। अब हम इन्हीं लड़कियों के हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है जिस शॉवर के नीचे वो थी। देखते ही देखते वो शॉवर एक प्लांट के कब्जे में आ जाता है, यानी कि वो प्लांट उस शॉवर के इर्द गिर्द लिपटने लगता है। और जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो फौरन ही पानी ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता और वो चीखे मारना शुरू कर देती है। इधर लियो ने वो पेंटिंग मुकम्मल कर ली थी और वो चाह रही थी कि वो असिस्टेंट जेंग को इम्प्रेस करने के लिए वो पेंटिंग उसको दे के आएगी। वो जब आकर उसके रूम का दरवाजा नॉक करती है तो वहाँ से कोई भी दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि असिस्टेंट तो प्रोफेसर के ऑफिस में बेहोश बैठा हुआ था। खैर थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है, वो देखता है कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता और वो वही प्लांट उठाकर वापस अपने कमरे की तरफ आने लगता है। कुछ ही देर में असिस्टेंट जेंग भी अपने घर में वापस आ जाता है। यहाँ पर इनकी बहुत सी बातें होती हैं, कोई खुशी की और कोई नाराजगी की। इसके अलावा असिस्टेंट ये भी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था जो कि उसकी क्लास फेलो भी रही थी, लेकिन उसको किसी मुल्क में जॉब की ऑफर हुई और वो वहाँ चली गई। ये सुनके ये लड़की लियो काफी जेलस होने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसको रोकता है। वो कहता है रुको, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें अपने कंप्यूटर में भी रखी हुई है, लेकिन हम अपना कोई रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो। तो लियो कहती है कि अच्छा चले ठीक है, मैं अपनी ग्रेजुएशन जब कम्प्लीट कर लूंगी तो उसके बाद हम कहीं बाहर घूम फिर सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं। और असिस्टेंट जेंग भी इस बात पर एग्री हो जाता है। इसलिए असिस्टेंट लियो को वही प्लांट गिफ्ट करता है जो वो प्रोफेसर के ऑफिस से उठा के वापस लाया होता है।
क्योंकि इन लोगों के कल्चर में प्लांट गिफ्ट करना बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे ये शो होता है कि आप बहुत सीरियस हैं, आप एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर वो एक नॉर्मल रोजेस भी हो सकते हैं या कोई भी नॉर्मल प्लांट। लियो वो प्लांट लेकर वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वो उस पौधे को पानी दे रही होती है, कि गलती से उस पौधे के पत्तों की वजह से इसकी उंगली पे एक कट लग जाता है। वो परेशान भी होती है कि एक पौधे के पत्तों से कैसे यह हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक बैंडेज को अपनी उंगली पे लपेट लेती है। यहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी दोस्त को आवाज देती है, लेकिन उसकी दोस्त फिर भी आंसर नहीं करती। वो अभी भी छुपी हुई थी, इसके सामने नहीं आ रही थी। लियो भी उसको इग्नोर करते हुए सो जाती है। जैसे ही रात होती है, वो प्लांट ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। देखते ही देखते इस पौधे की ब्रांचेस, रूट्स या शाखें जमीन से गुजरती हुई लियो के बेड पे आ जाती हैं, उसको मुकम्मल तरीके से जकड़ लेती हैं। लेकिन लियो एकदम से उठ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो मैं एक सिर्फ ख्वाब देख रही थी। खैर, उसकी नजर अपनी दोस्त के बेड की तरफ पड़ती है, जिसके बेड से कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड गिर रहा था। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आके जैसे ही उसके एरिया में जाती है और वो बेड का पर्दा हटाती है, तो उसके सामने अपनी दोस्त की डेड बॉडी आ जाती है। वो मारी जा चुकी थी और उसके जिस्म के अंदर से प्लांट्स निकल रहे थे, उसकी कमर पे ज्यादा से पौधे उगे हुए थे। और ये देखते ही लियो चीखे मारना शुरू कर देती है, बहुत डर चुकी थी। जल्दी ये खबर पुलिस को भी मिल जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। जेंग भी लिली से मिलने आ जाता है कि वो ठीक तो है, और यहीं पर पुलिस जेंग को प्लांट दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इस प्लांट के बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि जेंग और वो प्रोफेसर है जो अब काफी वक्त से गायब है, वो प्लांट्स की ही स्टडी करते थे और प्लांट्स के बारे में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, इसलिए पुलिस वाले इसकी एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहे होते हैं। लेकिन वो प्लांट को जब गौर से देखता है तो वो कहता है कि ऐसी रूट्स या ऐसे प्लांट्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। फिर दूसरी तरफ लियो अभी भी पुलिस के साथ ही होती है, और वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों में वो असिस्टेंट जेंग की गर्लफ्रेंड, जिससे वो पास्ट में प्यार किया करता था, उसको खड़ा हुआ देखती है, जिसका नाम शू होता है। जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो रहा होता है कि यूनिवर्सिटी को हम कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं, हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब किस्म का वायरस पाया गया है। और ये भी ऐलान किया जा रहा था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, यूनिवर्सिटी में होने वाला कोई भी बंदा बगैर परमिशन के यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाएगा। इधर लियो और जेंग जब बाहर आ रहे होते हैं, तो लियो को एक बार फिर से ख्वाब आता है। वो हेलुसिनेट करने लगती है कि प्लांट्स ने तमाम वहां पर रहने वाले स्टूडेंट्स को अपने काबू में कर लिया है। सब स्टूडेंट्स की गर्दन में प्लांट्स घुस चुके हैं, उनके चेहरे पे प्लांट्स आ गए हैं, जैसे कि सब प्लांट्स इंसान के अंदर ही ग्रो कर रहे हों। लेकिन फौरन ही उसको होश आ जाता है और वो वापस से अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि ये उसका सिर्फ एक ख्वाब था, वो हेलुसिनेट ही कर रही थी। जबकि टीवी पे खबर आ रही होती है कि प्रोफेसर को पकड़ना हर हाल में लाजमी है, क्योंकि वो फरार है और उसने बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर वायरस इंजेक्ट किया है, इस वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। खैर, लियो जब अपने कमरे के वॉशरूम में जाती है तो वो उस बैंडेज को उतारती है जो उसका पहले एक पौधे के पत्ते से कटने की वजह से लगा था। जब वो देखती है तो उसकी उंगली पर भी प्लांट ग्रो करने लगता है। काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपनी दूसरी उंगली से उस प्लांट को बाहर निकाल देती है। इतनी ही देर में कुछ मास्क पहने हुए लोग वहां पर आते हैं और असिस्टेंट जेंग, लियो और बाकियों को भी कहते हैं कि आप सब लोग जिम्नेजियम में चले जाओ, ताकि वहां पर आप सब लोगों का टेस्ट हो सके कि कौन बीमार है, कौन ठीक है, और इस वायरस को आगे बढ़ने से बचाया जा सके। इन मास्क वाले आदमियों को देख के सब स्टूडेंट्स डरने लग जाते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को उस जिम्नेजियम में बुलाया जा रहा होता है। सब पहले से ज्यादा बहुत परेशान थे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। असिस्टेंट और उसकी दोस्त जब जिम्नेजियम जा रहे होते हैं तो उसके सामने उसकी पुरानी फ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम शू होता है, जिसको वो पसंद भी किया करता था। वो बताती है कि वो बड़ी मेडिकल कंपनी के लिए काम किया करती है और वो प्रोफेसर जो काफी वक्त से गायब है, ये उनके साथ भी काम कर चुकी है। वो बताती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट इंसानों के अंदर बदलने वाले जीन्स के बारे में था, ताकि हम बहुत सी बीमारियों से इंसानों को बचा सके। लेकिन प्रोफेसर अपने सही इरादे से हट गए और कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट करने लग गए, और वो प्लांट्स की मदद से खतरनाक किस्म के डेडली वायरस बनाने लग गए। क्योंकि वो प्रोफेसर मेरे सीनियर थे, मैंने जब ये सब देखा तो उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही मेरी नौकरी से निकाल दिया। तो अब मैं इन सारी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और घबराने की बात तो ये है, पहले तो वो लैब तक अपना काम किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसों से उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब तक जितनी मौतें हुई हैं, चाहे वो तुम्हारी रूममेट हो उसकी मौत, या वो शुरू में जो लड़का मरा था उसकी मौत, या और भी बहुत से, क्योंकि प्रोफेसर ने ये सब वायरस इंसानों के अंदर डाल दिए थे और जिनका मैच 100% हो चुका था वो सब मारे गए थे। असिस्टेंट जेंग, तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारा मैच नहीं हो पाया और तुम 0% थे, इसलिए वो वायरस तुम पर असर नहीं किया अब तक। थोड़ी देर में लियो अपने हाथ को नोटिस
करती है कि उसके हाथ में जितनी भी नर्व्स थी वो ग्रीन होने लग जाती हैं, बिल्कुल प्लांट की तरह, जैसे उसके हाथ के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अब क्योंकि लियो को पता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो जहाँ पर मास्क पहने हुए लोग सब स्टूडेंट्स को चेक कर रहे थे, तो वो वहां से छुप कर भाग जाती है और खुद को उनसे दूर कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वो पकड़ी गई तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। असिस्टेंट जेंग भी उसको ढूंढने लगता है, भागते भागते उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ वो मास्क पहने हुए आदमी किसी और लड़की को पकड़ लेते हैं जो कि प्लांट्स के वायरस का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर ने इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। वो उसको पकड़ कर बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ वायरस उसके मुंह से निकलता हुआ उसको हमेशा के लिए मार देता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट जेंग जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि लियो पहले ही वहां पे बैठी हुई है। वो उसको अपने से दूर रहने का कहती है कि ये मेरा हाथ देखो, मैं वायरस का बुरे तरीके से शिकार हो चुकी हूँ और मेरा चेहरा भी ग्रीन होता जा रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट जेंग लियो को सहारा देता है, वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में लियो को एक आइडिया आता है, वो अपने मरने वाली रूममेट की कुछ ईमेल्स खोलती है और उसे वहां से अंदाजा होता है कोई शख्स से बार बार ईमेल्स कर रहा है, और वो आदमी उसकी मरने वाली रूममेट को अपने घर भी लेके जाया करता था। इनको शक पड़ता है कि वो आदमी कोई और नहीं होगा बल्कि वो प्रोफेसर ही होगा, क्योंकि वो मरने वाली रूममेट को अपने घर ले गया होगा और उसने उसके अंदर वहां पे वायरस इंजेक्ट किया होगा, जिस वजह से उसके अंदर वायरस फैलने लगा और वो मारी गई। खैर अभी इनका ये शक ही होता है। इतनी देर में वो मास्क पहने हुए लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और हर जगह स्प्रे करने लगते हैं ताकि उस वायरस से होने वाले आसार को खत्म किया जा सके। वो हर दरवाजे को भी खटकाने लगते हैं। जब वो इनके दरवाजे को खटकाते हैं तो वो ये दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि इनको डर होता है कि जैसे ही उन्होंने लियो को देखा तो वो पहचान जाएंगे कि लियो भी वायरस का शिकार हो चुकी है। वो उसको पकड़ कर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और अब तक उनके बचाने के एक्सपेरिमेंट में कोई नहीं बच पाया, तो वो दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन लियो यहाँ पर डरी हुई थी और उसे गलती से एक पानी का भरा हुआ गिलास नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बाहर खड़े हुए मास्क पहने हुए लोगों को अंदर से आवाज आती है और वो अंदर दाखिल होकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसी जिम्नेजियम में ले जाते हैं जहाँ पर सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने का कहा था, जहाँ पर वो लोगों को ट्रीट भी कर रहे थे। यहाँ टेस्ट करने से पता चलता है कि लियो वायरस का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर डॉक्टर्स और मास्क पहने हुए लोग कुछ दवाइयाँ उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े या रोका जा सके, और उसको बेहोश करके किसी और कमरे में ले जाने लगते हैं। जबकि असिस्टेंट जेंग चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ दो, उसको ना लेके जाओ अपने साथ, लेकिन मास्क पहने वाले लोगों ने इसको हाथों से पकड़ा होता है। कुछ ही देर बाद जब सब डॉक्टर्स की आपस में मीटिंग हो रही होती है तो वो ये जान पाते हैं कि ये वायरस खतरनाक है, जैसे ये इंसान के दिमाग पे असर करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं है जो खांसने या हाथ लगाने से फैले, बल्कि जब तक इसको आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये किसी और के लिए खतरा नहीं है। जैसे कोई पॉइजन होता है, कोई भी जहर होता है, जब तक वो आपके जिस्म में नहीं डाला जाता तब तक आपकी जान को खतरा नहीं है। तो डॉक्टर्स को ये जान के काफी रिलीफ मिलता है, काफी वो सुकून में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है जब तक प्लांट को डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन डॉक्टर्स को शू बताती है, जो शुरू से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कि लियो उन सब से अलग है क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो वायरस की एक नई फॉर्म को जनरेट करेगी जो पिछले तमाम वायरस से बिल्कुल हटके है। यानी अब तक जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था, लेकिन लियो की वजह से बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन वहां पे बैठे हुए सब लोग जो सीनियर थे, डॉक्टर्स थे, वो शू की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन लगाया हुआ था, सबको बंद किया हुआ था, वो उस लॉकडाउन को हटा देते हैं ताकि सब लोग पहले की तरह अपनी आम जिंदगी गुजार सके। बाहर आके असिस्टेंट टैंक शू से मिलता है और वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे लियो की दोस्त किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ उसके घर जाया करती थी, क्योंकि इनको शक जो था कि वो जो इनके सीनियर प्रोफेसर थे वो वहां पे कहीं छुपे बैठे होंगे और उन्हीं के पास इस सब का इलाज भी होगा। आखिरकार ये दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह पे प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं, हर तरह के प्लांट्स, इवन वो भी जो आज तक इन्होंने बिल्कुल नहीं देखे थे। यहाँ पे प्रोफेसर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। जैसे ही दोनों करीब आकर उनको हाथ लगाने लगते हैं, एकदम से बहुत बड़ा फ्लाई ट्रैप प्लांट उनकी कमर से निकलता है और इनको खाने की कोशिश करता है, और तकरीबन इनको मारने ही वाला था, लेकिन क्योंकि ये जल्दी से पीछे हो गए थे तो इनकी जान बच जाती है। उशु अपना लाइटर जलाती है और उस प्लांट की तरफ फेंक के उसको जला देती है। अब क्योंकि वो प्लांट प्रोफेसर के अंदर से निकला था तो प्लांट और प्रोफेसर दोनों जल के वहीं पर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट और शू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो वायरस जिसकी बॉडी के साथ
साथ मैच कर जाता है वो उसके अंदर दाखिल होकर बढ़ने लगता है और वो कभी भी प्लांट खत्म नहीं होने वाला, वो प्लांट बढ़ता ही जाएगा इतना कि पहले मोहल्ला कवर करेगा, फिर पूरा शहर कवर कर लेगा और पूरे का पूरा मुल्क भी कवर कर लेगा। यानी वो साइज में इतना बढ़ता जाएगा वो कभी भी रुकने नहीं वाला और उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। और अगर किसी की बॉडी 0% मैच होगी तो वो इंसान उस वायरस से हमेशा के लिए बच जाएगा। और यही वजह थी कि शुरू में जब असिस्टेंट जेंग के अंदर प्रोफेसर ने वायरस डाला था तो वो वायरस उसकी बॉडी से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए अब तक उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आई, कोई वायरस उसके अंदर नहीं आया। यहाँ पर शू प्रोफेसर का वो कंप्यूटर को चेक करने लगती है और वो तमाम डेटा जो प्रोफेसर ने अब तक स्टोर किया होता है अपने कंप्यूटर में वो अपनी कंपनी को सेंड करने लगती है। असिस्टेंट जहाँ पर उसको रोकता है कि डेटा अगर किसी और को सेंड किया तो वो इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेगा और जो प्रोफेसर ने किया कल को कोई और भी ऐसा करने लग जाएगा। लेकिन शू यहाँ पर नहीं रुकती और वो जेंग के ऊपर स्प्रे कर उसको बेहोश कर देती है। और जैसे ही शू अपना डेटा कम्प्लीट करके वहां से जाने लगती है तो उसी पौधे से जिसको शू ने जलाया होता है उसके अंदर से एक ब्रांच निकलती है और सीधा आकर उसकी गर्दन में घुस जाती है और उसको वहीं पे मार डालती है। यानी कि शू ने उस प्लांट को जला तो दिया था लेकिन वो प्लांट अभी भी मरा नहीं था, वो ग्रो हो रहा था और पहले से ज्यादा खतरनाक था और उसने शू की जान ले ली थी। दूसरी तरफ जिम्नेजियम में हम यो को देखते हैं जिसकी बॉडी जेनेटिक्स वायरस के लिए 100% मैच कर चुके थे, यानी कि इसकी बॉडी में वायरस बड़े आराम से ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। और देखते ही देखते लियो के अंदर से बहुत से प्लांट्स निकलने लग जाते हैं जो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहे थे और फौरन से पूरे जिम्नेजियम में प्लांट्स ही प्लांट्स हो चुके थे जो लियो की बॉडी के अंदर से निकले थे। और मास्क पहने हुए तमाम डॉक्टर्स जो इसकी मदद कर रहे थे वो भी इन प्लांट्स की वजह से मारे जाते हैं। थोड़ी ही देर में जेंग जब दोबारा से वापस अपनी यूनिवर्सिटी में आता है वो देखता है कि हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं और सब लोग वहां पे मारे जा चुके हैं, लेकिन उसको अभी भी लियो का नहीं पता होता कि वो किधर है। उसको हर जगह ढूंढने लगता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर प्लांट से भर चुका है, हर बिल्डिंग के ऊपर प्लांट्स हैं, हर रोड पे प्लांट हैं। कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट जेंग दोबारा से उसी जिम्नेजियम में आता है क्योंकि इसे अब तक लियो नहीं मिली होती और वो अब तक लियो को ही ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो उसे प्यार जो करने लगा था। और यहाँ पर इसकी नजर उसी पेंटिंग पर जाती है जो लियो ने इसके लिए बनाई थी। उसको देख के मुस्कुराता है और लियो को याद करने लगता है और इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।